Chappelle Cut. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 8, कम्युनिटी इटी। ओके, अ पिकनिक वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फोर्थ स्टैंडर्ड इन दीपा स्कूल। ऑल द स्टूडेंट वर वेरी एक्साइटेड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉर्म ग्रुप एंड डिवाइडेड द स्नैक अमंग देम। मतलब एक दीपा है लड़की, उसके स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज किया गया है, फोर्थ स्टैंडर्ड की बच्ची है, ठीक है, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई है जहाँ पे सभी बच्चों बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। उसके टीचर ने क्या कहा है कि आप सभी को हम ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है, और आपको आप सभी का स्नैक फिर खाना है। एट द पिकनिक चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सेक्शन सेट टुगेदर द एंड शेयर द स्नैक्स। अब वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड हो गए, ठीक है, और उन्हें अपना स्नैक शेयर कर लिया। दे ऑल टॉक्ड लव्ड एंड एंजॉयड द वैरायटी ऑफ एटेबल। अब उन सभी ने अपना मिलके एक दूसरे का खाना खाया, उसे एंजॉय किया, हंसे खेले, इस तरह से अलग अलग वैरायटी का खाना खाया। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर ऑन द स्पेसिफिक ओकेशन, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। जब हम क्या करते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी में खाना खाते हैं साथ में, ठीक है, किसी भी ओकेशन पे या कोई भी फेस्टिवल पे, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी ईटिंग। इट हेल्प इन डेवलपिंग कनेक्शन एंड द यूनिटिंग पीपल। यह हमें किस में हेल्प करता है, कनेक्शन में और एकता में, चाहे हम एक हो जाए। इट teaches us equality and we feel to be a part the community। ये हमें बराबरी लेकर आता है हम लोगों में, और हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट बनाता है, एक हिस्सा बनाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ओकेशन पे शादी ब्याह का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो शादी, किसी की शादी का डेकोरेशन है ये। हम सब मिलके, हम लोग भी जब शादियों में जाते हैं इसी तरह से खाना खाते हैं। आगे, there are some occasions on which people eat together like wedding, बर्थडे पार्टी एंड फेस्टिवल। दे आर सोशल गैदरिंग्स वेयर द होस्ट इनवाइट्स द पीपल, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। फूड इज सर्व्ड इन अ बिग प्लेस लाइक ओपन ग्राउंड और बैंक्वेट हॉल। अब इसमें क्या होता है कि मतलब हम कब खाते हैं साथ में खाना, या तो किसका बर्थडे हो, किसी की शादी हो, कोई मतलब क्या कहते हैं फेस्टिवल हो, तो हमें जो भी होस्ट होता है, मतलब जिसके हम खाना खाने वाले हैं, वो हमें बुलाता है, इन्वाइट करता है, फिर एक बड़ी जगह पर हमें इनवाइट करता है खाने के लिए, वहां पे हमें खाना सर्व किया जाता है, फिर हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आगे, कम्युनिटी मील्स। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सोशल गैदरिंग्स देयर आर मेनी अदर ओकेशंस वेयर पीपल ईट टुगेदर। मतलब सोशल गैदरिंग होती है जब हम सोशल, हमारे समाज के लोगों से मिलते हैं, आपस में मिलते हैं हम भाई, मतलब जो फ्रेंड सर्कल होता है हमारा, हमारे समाज के लोग होते हैं, ठीक है, तो हम जब आपस में मिलते हैं और खाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कम्युनिटी मील। आगे, अनलाइक द सोशल गैदरिंग हियर द पीपल ईटिंग द मील आर नॉट नेसेसरली नॉन इच टू इच अदर। ये हमारे लिए क्या है, मतलब साथ में हमारा खाना, ठीक है, ये हमारे लिए एक, मतलब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, हम एक दूसरे को जान पाते हैं हमारी कम्युनिटी में। द मील्स आर नॉट सर्व्ड बाय अन इंडिविजुअल बट बाय अन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज दैट प्लेस। मतलब ये हमको कोई अलग, कोई हम एक जने को स्पेशली सर्व नहीं किया जाता, यहाँ पर सभी को एक साथ में सर्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए, लंगर, लंगर के बारे में हम पढ़ते हैं। लंगर इज द फ्री मील सर्व इन गुरुद्वारा। अगर आप पंजाबी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारा जो होता है वहाँ पे फ्री में लंगर लगता है, यहाँ पे हम फ्री में खाना खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्री में हमको खाना सर्व किया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द गुरु नानक देव जी। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुरु नानक देव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द फर्स्ट सिख गुरु, जो क्या थे, फर्स्ट सिख गुरु थे। वेजिटेरियन फूड इज कुक्ड एंड सर्व बाय वॉलेंटियर्स। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, एक तो यहाँ पे शाकाहारी खाना बनाया जाता है और जो वहाँ के कार्यकर्ता होते वॉलेंटियर्स, उनके द्वारा सर्व किया जाता है और बनवाया जाता है। ऑन पत्तल और प्लेट्स, और किस पे परोसा जाता है, पत्तल और प्लेट्स पे। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, यहाँ पर सारे रिलीजन, हर धर्म के लोग आ सकते हैं और खा सकते हैं। सीट टूगेदर ऑन द फ्लोर एंड इट टुगेदर। वहां पे सभी जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से होता है लंगर, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है लंगर, इस तरह से खाना सभी को खिलाया जाता है। आगे, पीपल हु वॉलंटियर आर कॉल्ड सेवादार। वहां पे जो वॉलंटियर्स काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेवादार कहते हैं। एंड द सर्विस गिवन इज कॉल्ड सेवा, और उनकी सर्विस को सेवा कहा जाता है। लंगर क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग्स द ह्यूमन बीइंग्स। ये जो फीलिंग, मतलब लंगर
करवाने का जो मतलब है वो ये मतलब है कि सभी लोगों में इक्वलिटी आए, बराबर मतलब बराबर रहे सब लोग। द कम्युनिटी मील सर्व्ड इन द टेम्पल्स आर कॉल्ड भंडारास। अब जो कम्युनिटी होती है, मतलब जो हमारी हिंदू कम्युनिटी हो गई, जब हम जो मंदिरों में खाना सर्व करते हैं उसे क्या कहते हैं? भंडारा। क्या कहते हैं? भंडारा। आप लोगों ने देखा हो नवरात्रि के बाद में होता है, कहीं मंदिरों में होता है ना भंडारा, वही। हियर टू फ्री फूड इज सर्व टू मेनी पीपल्स। यहाँ पर बहुत खाना फ्री में लोगों को, बहुत लोगों को बांटा जाता है। आगे बोर्डिंग स्कूल, इन अ बोर्डिंग स्कूल द स्टूडेंट नॉट ओनली स्टडी बट आर ऑल्सो सर्व्ड फूड एंड लॉगिंग। द फूड इज कुक्ड इन अ कॉमन किचन एंड सर्व्ड इन अ कॉमन डाइनिंग एरिया एट फिक्स्ड टाइम। ऑल द चिल्ड्रन गो एंड ईट टुगेदर। अब जो बोर्डिंग स्कूल होता है वहां पे क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो खाना भी खाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं वो, ठीक है। वहां पर एक कॉमन किचन में खाना बनाया जाता है, कॉमन तरीके से उन्हें सर्व किया जाता है और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों को खाना खिलाया जाता है और एक ही डाइनिंग टेबल पे खिलाया जाता है। आगे मैथ्स। मैथ्स इज अ प्लेस वेयर द सोल्जर्स ऑफ द आर्म फोर्स ईट टुगेदर। मैथ्स का मतलब होता है जहां पर जो आर्मी फोर्स होती है, ठीक है, आर्मी के लोग होते हैं, वो साथ में खाना खाते हैं। इट कैन बी अ टेम्परेरी और अ परमानेंट सेटअप। वहां पे मतलब कभी कभी टेम्परेरी सेटअप भी होता है और परमानेंट सेटअप भी होता है। इट्स हेल्प इन द सोशलाइजेशन द सोल्जर्स विद देयर फैमिलीज। ये एक मतलब सामाजिकरण है किसके बीच में? सोल्जर्स के बीच में और उसके फैमिलीज के बीच में। अब आते हैं मिड डे मील। ओके, मिड डे मील इज अ स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। मतलब एक ये योजना है जो गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई है, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको खाना दिया जाता है जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट गेट लंच ऑन ऑल स्कूल्स डे एंड गेट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको खाना दिया जाता है उनको लंच में और वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है। द मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनाइटेड बाय द के कामराज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया गया था के कामराज। ये आपको देखो इनकी पिक दिखाई दे रही है, ये है के कामराज। ये कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, तब से ये स्कीम लागू की गई थी। आगे यहाँ पर हम देखते हैं ही इंट्रोड्यूस टू फर्स्ट इन चेन्नई इन 1962-1963। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? चेन्नई से किस सन में? 1962 से 63 में। एंड देन टू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और धीरे धीरे मतलब चेन्नई में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हो गया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अन इंसिडेंट। ही वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू क्रॉस एट अन इंटरसेक्शन when he shows some young boys looking after their cattle. Kamaraj asks them why they didn't go to school. One of the boys answers, if I go to school, will you give me food to eat because I can learn only if I eat. मतलब ये उनको आइडिया कैसे आया? एक इंसिडेंट से आया। क्या हुआ उनके साथ? वो एक बार किसका वेट कर रहे थे? ट्रेन का वेट कर रहे थे। वहीं से उन्होंने क्या देखा कि कुछ छोटे बच्चे वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से जा रहे थे। फिर जो एक कामराज जी है, इन्होंने पूछा कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा, क्या आप हमको खाने के लिए खाना दोगे? तो मैं स्कूल जाऊंगा, मैं तभी पढ़ूंगा जब मुझे खाना मिलेगा। दिस रिस्पॉन्स मोटिवेटेड द एस्टैब्लिश्ड ऑफ द मिड डे मील स्कीम। इसी कारण जो कामराज जी थे, वो उन्हें एक मोटिवेशन मिला कि हम इस स्कीम को चालू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कामराज वॉज ऑनर्ड विद इंडिया हाइएस्ट सिविलाइन ऑनर भारत रत्न पोस्टू मौसली इन 1976। और जो ये कामराज जी है, उनको इन्हीं मतलब इसी के लिए एक ऑनर से सम्मानित किया गया जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न से। ओके, एडवांटेजेस ऑफ द सर्विंग मिड डे मील्स। अब इसके जो लाभ है वो देखिए, चिल्ड्रंस लर्न टू शेयर एंड ईट टुगेदर। देखो वो मतलब सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ शेयर करना, बांटना और खाना भी सीख रहे हैं साथ में। इट इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन की हेल्थ मतलब चिल्ड्रन के स्वास्थ्य को, उसको भी न्यूट्रिशन देती है। इट्स लर्न्स द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली टू कम टू द स्कूल टू स्टडी। अब जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो भी स्टडी करने, पढ़ाई करने वहां आ जाते हैं।
इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू वुमन हु कुक द मील्स। इससे क्या हुआ कि बहुत सी महिलाओं को खाना बनाने का भी काम मिल गया, रोजगार मिल गया। आगे स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेशंस। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, हियर ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद द फॉर्म्स एंड शो, दे आर ऑक्यूपाइड बाय स्पेशल डिशेस प्रिपेयर्ड पर्टिकुलरली ऑन दिस डेज, लेट अस हैव अ लुक एट देम। मतलब जो इंडिया है, हमारा जो लैंड है वो क्या है, त्योहारों का देश है। हमारे वहाँ हर त्योहार पे अलग अलग तरह के डिश और पकवान बनाए जाते हैं, वही हम देखते हैं। अब देखिए गणेश चतुर्थी, मोदक, इस दिन क्या बनाए जाते हैं, मोदक बनाए जाते हैं। अ स्टीम डिश, स्टीम मतलब इसे बफा के बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है किससे, कोकोनट एंड जैगरी, मतलब जो गुड़ होता है कोकोनट, उससे बनाया जाता है, ठीक है, इसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है, अंदर क्या भरा जाता है, कोकोनट और जैगरी, देन जो उसकी कोटिंग है, जो बाहरी चीज है, वो किससे बनाई जाती है, राइस पेस्ट, मतलब चावल के आटे के पेस्ट से। अब क्रिसमस, प्लम केक्स एंड पडिंग्स, मतलब प्लम केक बनाया जाता है किस पे, क्रिसमस पे। ईद, ईद पे क्या बनाई जाती है, बिरयानी या सिवैया, ये आपको दिखाई दे रही है, देखो सिवैया। आगे गुरु पर्व, गुरु पर्व पे क्या मनाया जाता है, मलाई के लड्डू, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, मलाई लड्डू, ठीक है, और आटे का हलवा। होली, होली पे क्या बनाई जाती है, गुजिया, ये देखो आपको दिखाई दे रही है गुजिया, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में जहां पर हम रहते हैं। आगे ओनम क्या बनाया जाता है, यहाँ पे पायासम, कुट्टू एंड अवाई इन केरला, मतलब ये केरला में बनाया जाता है, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है पायासम, कब, ओनम पे, क्योंकि ओनम जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है, केरला का। बिहू, राइस केक कॉल्ड पिथास इन असम, मतलब चावल के आटे का केक बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पिथास, कहाँ पर, असम में, वो कहाँ पे बनाया जाता है, असम में। तीज, तीज पे क्या बनाया जाता है, घेवर एंड चूरमा, कहाँ पे बनाया जाता है, राजस्थान में, ये देखो इस तरह का होता है घेवर। ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जो इंडिया है वो कैसा देश है, अनेकता में एकता का। ओके, आई होप यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा चैप्टर 8 कम्युनिटी इटिंग।